बताओ, 7 बज गए अभी तक नहीं आई। प्रिया, अरे आज चाय देगी ना देगी? भगवान जाने आजकल के बालकों को इतनी नींद आती कहाँ से है। एक हम थे 4 बजे जग के काम पे लग जाया करते। रात भर देखा होगा टीवी, जब सोओगे 2-2 2:30 बजे तक सुबह आँख कैसे खुलेगी? मुझे जगाना पड़ेगा, मैं ही जगाती हूँ उस कुंभकर्ण को। ये लो माँ चाय। थोड़ा धीरे बोलो, प्रिया सो रही है। वाह बेटा, बहू सो रही है तो माँ को चुप करवा दे। हे भगवान, मेरे ये दिन आ गए। अरे माँ, वो हो जाती हूँ जो, अब तो तू चुप ही करवाएगा। इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया था। अरे माँ, पूरी बात तो सुन लो, क्यों बात को बढ़ाई जा रही हो? प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, रात को उसको बहुत तेज बुखार था, रात भर सो नहीं पाई तो अभी आंख लगी उसकी। बुखार उखार कुछ ना है उसके, सब ड्रामे कर रही है। कल मैंने स्टोर की सफाई करने को बोल दिया था, अरे ना करनी थी तो मना कर देती, बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? माँ, आपको प्रिया का बीमार होना बहाना क्यों दिखाई देता है? परसों भी उसको खांसी जुकाम था, फिर भी आपने जबरदस्ती कह के उसे वॉशिंग मशीन लगवा दी। और वॉशिंग मशीन लगवाई तो लगवाई, घर के जितने भी तौलिए, चद्दर, सब चीज के बोल दिया कि आज ही धो, और सारे के सारे घर के कपड़े लाके उसके आगे पटक दिए। बहुत ज्यादा जरूरी थे क्या सारे कपड़े धुलवाने? तो तू कहना चाहता है ना कहूँ उससे काम की? ठीक है बेटा, ना कह रही तेरी बहू से काम की, बस। अब तुम्हें कोई बात समझाओ तो भी बुरी लगती है। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि वॉशिंग मशीन उस दिन नहीं लगती तो क्या हो जाता? कोई इमरजेंसी थी क्या? एक दो दिन बाद धुल जाते कपड़े, और फिर वो ठीक होती तो अपने आप ही नहीं धो देती है? पर्दे, चद्दर और ये सब तकिए के कवर वगैरह सब अपने आप भी तो धो देती है वो। पर आपको तो क्या है, मुंह से बात निकलते ही पूरी होनी चाहिए। अब पड़ गई ना बेड पे, हो गई बीमार। अच्छा ये बताओ, खाना आप बना दोगी? वो तो बना नहीं पाएगी इस हालत में। मेरे बस का ना है खाना वाना बनाना, आधा छूट गई है मेरे काम करने की। हाँ तो ठीक है, मैं खाना बाहर से ले आता हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। आप बस प्रिया के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, और यह बता दो नहीं तो मैं बना दूंगा। और मैं 1-2 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, तब तक प्रिया की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तो सही, मैं उतारूंगी उसका बुखार। अरे कोई बात नहीं, मेरी छुट्टियां बची हुई हैं, वरना आप बहुत परेशान हो जाओगी। लगता है दूध वाला आ गया, मैं दूध लेकर आता हूँ। जोरू का गुलाम। अब कैसी तबीयत है? हुआ कमर दर्द में तेरी आराम? हाँ मम्मी, अब तो आराम है। मम्मी अगर ये साथ नहीं देते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे तो बेड से उठने भी नहीं दिया इन्होंने। अरे तो क्या हुआ, पति का तो फर्ज बनता है पत्नी की देखभाल करने का, आखिर एक लड़की उसी के तो भरोसे मायके से ससुराल जाती है। अब तू भी तो, घर में कोई बीमार हो जाता है करती है ना देखभाल, अब तू बीमार पड़ी तो उन्होंने देखभाल कर ली तो क्या हो गया? और एक बात बताऊं बेटा, जो पत्नी अपने पति के लिए और जो पति अपने पत्नी के लिए कर देता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला जो तेरी इतनी देखभाल करता है। भगवान करे हर बेटी की माँ को ऐसा दामाद मिले। अच्छा चल, फोन रखती हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब ठीक है रेनू? हाँ ठीक है, कह रही थी दामाद जी बहुत ध्यान रखते हैं उसका, बेड से उठने तक नहीं देते उसको। जोरू का गुलाम कहीं का है ना माँ? ये क्या कह रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ ना, जो बीवी की केयर करता है वो जोरू का गुलाम होता है, और आपने भी तो मेरे लिए यही कहा था, जोरू का गुलाम। थोड़ा धीरे बोलो, प्रिया सो रही है, प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, रात को उसको बहुत तेज बुखार था। माँ, आपको प्रिया का बीमार होना बहाना क्यों दिखाई देता है? जोरू का गुलाम।